वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप गाइस आप बिल्कुल स्वस्थ हैं मस्त है सो so, आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही यू नो इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर मी एंड आई होप आपके लिए भी हो क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रॉपर हेयर है, स्पा एट होम यस सबको पता है बाहर जाना इज नॉट सेफ एंड आई हैव अ बेबी तो मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती लेकिन अपना ध्यान रखना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको सिर्फ अपने चेहरे का हाथ पैर का इन सबका नहीं अपने बालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी हमें चाहिए और अच्छे चाहिए सो so, मैंने ही घर पे हाँ हेयर स्पा किया है uh, कुछ यू you नो know, जो इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट करते हैं उनको मिक्स मैच करके तो आई होप आपके लिए भी जो आप देखने वाले हैं वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और आप भी ट्राई करो क्योंकि जो मेरे बाल थे वो हो गए थे झाड़ू लिटरली झाड़ू की तरह हो गए थे मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी डल रफ एकदम से यू you नो know, मतलब बाल कंगी करने का भी मन नहीं करता था मन नहीं करता था कि आप हेयर कॉम भी करो सो यू नो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट वीडियो सो so गया आपको क्या करना है आ, सबसे पहले हेयर स्पा में सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑयलिंग हेयर को ऑयलिंग करना अच्छे से तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ मतलब आ, इसकी एक बॉटल पहले मैंने यूज़ की है ये नेक्स्ट बॉटल है और ये बहुत 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 अच्छा ऑयल है कोकोनट में सबसे बेस्ट ऑयल है आ, श्री श्री तत्वा का है ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है वर्जिन कोकोनट ऑयल है और ये जम जाता है तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि गर्म पानी में इसको डाल के रखना है ताकि ये थोड़ा पिघल जाए गर्म पानी में डाल के रखें ताकि ये ना यूज़ करने के लायक हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है आ, अपने बालों में लगाना है अच्छे से बालों को अच्छे से पूरा सा कॉम्ब करने के बाद आप इसको बालों में लगाना है और ये देखिए मेरे बालों की हालत लिटरली झाड़ू जैसे हो गए हैं यार मतलब बिल्कुल ख़राब हो गए बाल मुझे तो ये करना ही करना था पक्का से हेयर मास्क तो मुझे यूज़ करना ही करना था तो बस सबसे पहले क्या करना है हमने अपने बालों में ऑयलिंग कर लेनी है तो जो भी आप ऑयल यूज़ करें जो भी ऑयल आप आपको सूट करता हो जो आपको बालों को पसंद हो जो आपको पसंद हो वो ऑयल आप ले सकते हैं बस उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए यू नो वार्म करने से आ, बालों में मसाज अच्छे से होती है और जो आपके नसें होती हैं जो पोर्स होते हैं वो सब ओपन हो जाते हैं इतना रिलैक्सेशन फील फील होता है आपको इतना अच्छे से रिलैक्स फील होता है जैसे हम पार्लर में जाते हैं मसाज करवाते हैं तो कैसे मतलब इतना रिलैक्स फील होता है वैसे ही जो वॉम ऑयल होता है उससे बहुत अच्छा फील होता है और मैं क्या करती हूँ मैं जो ऑयल है वो मैं रात को ही लगा लेती हूँ मैं फुल नाइट ऑयल लगा के रखती हूँ और फिर सुबह उठ के बालों को धो लेती हूँ हेयर वॉश कर लेती हूँ आप चाहें तो मिनिमम दो घंटे ऑयल लगा हुआ होना चाहिए बालों पे, मतलब ऑयल लगाया है तो उसका कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए बालों को तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम दो घंटे तक तो आपको ऑयल रखना ही रखना है जब भी आप हेयर स्पा करें ऑयलिंग करें बालों में तो इतना इतनी देर तो आपको रखना ही चाहिए उसके बाद बस आपको अच्छे से पूरे स्कैल्प में अच्छे से ऑयल लगा लेना है बालों की यू you नो know, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रूट तक आपको और टिप्स तक रूट तक पूरा अच्छे से लगा लेना है ऑयलिंग और बहुत अच्छे से मसाज करनी है बालों में ताकि जो बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन है सर में आ, वो अच्छे से ना शुरू हो जाए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और अच्छी ऑयलिंग आपको मिले और एक अच्छा मसाज आपको मिले ताकि आपके बालों को एक बहुत अच्छा नरिशमेंट मिले क्योंकि जो ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा सा वॉर्म होता है जिससे बाल जो है जो फ्रीजी हेयर होते हैं ड्राई डल हेयर होते हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको नरिशमेंट मिलती है पूरी तो बस आप अच्छे से अपना हेयर ऑयल करें पूरी स्काल्प में धीरे धीरे अपनी फिंगर टिप्स के साथ रगड़ रगड़ के अच्छे से हेयर ऑयलिंग करें बस ये है कि बालों को उलझा ना लें सुलझे हुए बालों को बनाएं और बस ऑयलिंग करने के बाद आपको क्या करना है आपको धीरे धीरे बालों को डिटेंगल कर लेना है आ, टैंगल नहीं होने चाहिए बाल वरना यू you नो know, हेयर वॉश भी ढंग से नहीं होता है हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हेयर वॉश करें आप हमेशा डिटेंगल करके ही हेयर वॉश करें और जब ऑयलिंग करें तब भी वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बालों में तो बस आप अच्छे से ऑयलिंग कर लें बालों में उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक दुपट्टा लगाया हुआ ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाए ऑयलिंग की वजह से और बस तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है स्टीमिंग ये ऑयलिंग करने के बाद स्टीमिंग देना बहुत ज़रूरी है तो ऑयलिंग करने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टीमर नहीं है तो आप बस गर्म पानी कर लीजिए जो आपके बालों को बर्दाश्त करने के लायक हो उतना गर्म पानी कर लीजिए उसमें बस आप अपनी टी शर्ट डाल लीजिए मैंने तो टी शर्ट डाली है चाहे तो आप टाल डाल लीजिए और अच्छे से यू नो बालों को रैपअप कर लीजिए उस गर्म पानी में डिप करके और ये प्रोसेस आपको दो बार करनी है जब भी आप बालों को स्टीम करते है ना तो बालों के जो हेयर के जो जो हेड में पोर्स होते हैं बालों के लिए वो ओपन हो जाते हैं और बालों को बहुत अच्छे से यू you नो know, नरिशमेंट मिलती है तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बालों को हमेशा हमेशा स्टीम देना जैसे हम अपने फेस को स्टीम देते हैं ना पोर्स को ओपन करने के लिए वैसे ही हमें बालों को भी स्टीम देनी चाहिए बाल जो स्कैल्प है उसको स्टीम देनी चाहिए ताकि जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए जो डेड स्किन है वो निकल जाए ताकि डेंड्रफ ना आए बार बार तो बस मैंने भी इसी तरह दो बार बालों को स्टीम दी है अच्छे से गर्म पानी में डिप करके अपनी टी शर्ट को और यू नो अच्छे से बालों को रैपअप कर लिया है और इसको आप पंद्रह पंद्रह मिनट में दो बार कीजिए पंद्रह पंद्रह मिनट का है तो दो बार करना है तो बस मेरा जो स्टीम देने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका आई एम गोन रिमूव दिस टी शर्ट और बस इसके बाद मैंने सिर्फ हेयर वॉश करना है अच्छे से आ, उसके बाद फेस सॉरी हेयर मास्क ट्राई करेंगे सो मैंने ये कर लिया है कर लिया तो ये मेरा हेयर वॉश किया हुआ है और मैंने एक दुपट्टा रख लिया है क्योंकि मैं फेस मास्क बनाने वाले सॉरी हेयर मास्क बनाने वाली हूँ तो कपड़े ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से आप चाहें तो दुपट्टा रख सकते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेना है एक बाउल बाउल के अंदर लेना है मेथी दाना फेनोग्रिक सीड जो होते हैं वो आपको लेने हैं मैंने इसमें तीन से चार चम्मच फेनुग्रिक सीड्स लिए हैं मेथी दाना लिया है उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है कर्ड कर्ड जो है मैं तो घर का ही प्रेफर करती हूँ मेरे हिसाब से घर का ही होना चाहिए प्योर होता है बाज़ार वाले में पता नहीं कितना यू नो कंडीशनर होता है और कितना नहीं तो मेरे हिसाब से घर का ही बेस्ट होता है तो मैंने घर का ही कर्ड लिया है घर में ही लगाया हुआ कर्ड लिया है तीन से चार चम्मच मैंने कर्ड ले लिया है उसके बाद मैंने लिया है एलोवेरा जेल आप चाहें तो घर पे लगा हुआ भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं बट मुझे ये जेल एलोवेरा जेल बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है उसके बाद हम लेंगे आ, बनाना यस बनाना लेंगे हम और जो जो बनाना है वो पूरा का पूरा राइप होना चाहिए पका हुआ होना चाहिए तो और उसके बाद मैंने जो मेथी दाना है उसको पीस लिया मेथी दाना को आप सेपरेट ही पीसें क्योंकि उसके मोटे होने का यू नो फ़र्क पड़ता है और अगर मोटा बचे तो आप उसको छान लीजिए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कर्ड जो कर्ड हमने लिया था होम जो कर्ड था वो हमने इसमें डाल दिया है उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद हमने लेना है एलोवेरा जेल पतंजलि का है ये तो उसके बाद आपको एलोवेरा जेल डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर क्वान्टिटी हेयर uh, वॉल्यूम की आपको कितना चाहिए कितना यूज़ करना है किस तरीके से यूज़ करना है उसके बाद uh, मैंने लिया है बनाना बनाना को मैंने हाफ़ लिया है हाफ़ बनाना लिया है मैंने हाफ़ इज़ इनफ तो मैंने हाफ बनाना लिया है आपको इस तरीके से तोड़ के और डाल देना है ब्लेंडिंग जार में उसके बाद आपको बस इस पूरे के पूरे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है दो तीन बार करके चला लेना है तो जो थिकनेस है uh, हमारे हेयर मास्क की वो इस तरीके की होनी चाहिए कि यू you नो know, बार बार गिरे भी ना और अच्छे से हेयर में लग जाए तो इस तरीके से मैंने बनाया है इसको और बस इसी तरीके से आपको भी बनाना है इतनी ही इसकी होनी चाहिए थिकनेस और इसके बाद आपको बस अपने बालों में बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेना है पूरी की पूरी स्कैल्प में अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है यू नो एक एक आगे के बाल उठा उठा के पूरी की पूरी स्कैल्प को अच्छे से नरिश कर देना है जहां आपको लगे कि आपके बाल वहां से बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं वहाँ से आपको अच्छे से इसको यू you नो know, इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है जो आगे के बाल होते हैं ना वो तो फिर भी हम उनको बार 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 सेट करते रहते हैं क्योंकि वो दिखाई देते हैं हमें मिरर में लेकिन जो पीछे के बाल होते हैं ना पीछे गर्दन से ऊपर वाले बाल वो बहुत सफ़र करते हैं बेचारे चाहे पसीना हो धूल मिट्टी हो और उन बालों में ना ऑयलिंग भी ढंग से नहीं होती है तो पीछे के मेरा यही कहना है कि आगे के बालों पे भी ध्यान दीजिए और हो सके तो पीछे के बालों को भी बहुत अच्छे से हेयर मास्क लगाइए यूज़ कीजिए क्योंकि बाल तो सारे सर के ज़रूरी होते हैं यार है ना राइट तो बस इसको आपको क्या करना है अच्छे से हेयर मास्क लगा लेना है प्योर तरीके से और आपको फिंगर टिप्स के साथ अंदर अपने स्कैल्प में भी लगाना है अच्छे से स्कैल्प में लगाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बाल की ग्रोथ वहीं से शुरू होती है तो स्कैल्प अगर आपकी नरिश रहेगी तो आपके बाल भी बहुत अच्छे से आएंगे तो बस आपको स्टार्टिंग से लेकर टिप्स तक पूरा का पूरा अच्छे से मसाज कर लेनी है बालों में हेयर मास्क की और जस्ट ट्रस्ट मी गाइज मतलब ये जो हेयर मास्क है मैंने ट्राई किया है और रिजल्ट्स आर अमेजिंग इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने कभी नहीं देखे ऑल दो मैंने हेयर uh, मास्क बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किए क्योंकि यू you नो know, uh, बालों पे इतना ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला लेकिन ये हेयर मास्क लगाने के बाद सच में आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा बहुत मतलब बहुत ही इफेक्टिव है ये हेयर मास्क बहुत अच्छा लगा इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है uh, मेथी दाना मेथी दाने का तो सबको पता है मेथी दाना बहुत ही कंडीशनर करता है बालों का आपको और जो बनाना है वो भी बहुत कंडीशनिंग का काम करता है और जो आपका एलोवेरा जेल है वो आपके स्कैल्प से डेंडरफ को ख़त्म करता है और अच्छे से एक हेल्दी स्कैल्प को बनाता है और जो भी डर्ट पोल्यूशन जमा हुआ है आपके सर में जो कि सिर्फ शैम्पू से नहीं निकलता है वो इस हेयर मास्क से भी निकल जाता है और ये बहुत इफेक्टिव है स्पेशली इन विंडर्स ये बहुत अच्छा लगता है और जो कड़ है कड़ तो मतलब हर फॉर्म में यूज़ होता है कड़ तो यार कर्ड का सबको पता है कर्ड कितना ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों से जितने भी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है जो कुछ भी है वो पूरी निकाल देता है और यू you नो know, आपको एक हेल्दी बालों को हेल्दी बाल देता है हेल्दी स्कैल्प देता है और जो इस तरीके से आपको क्या करना है कि बस आपको भी पूरे रूट से लेके टिप्स तक पूरे अच्छे से पूरा ख़त्म कर लेना है अपना हेयर मास्क लगा के पूरा अच्छे से बालों को नरिश करने के लिए आपको स्कैल्प में अच्छे से मसाज भी करनी है इससे और बस इस तरीके से आपको बालों को डिवाइड करके और पोर्शन में बना लेना है और उसके बाद अच्छे से स्कैल्प कर रगड़ रगड़ के आपको पूरे अच्छे से अपने जितना भी हेयर मास्क आपने बनाया उसका पूरा का पूरा आनंद उठा लेना है लिटरली सही लैंग्वेज uh, में बोला जाए तो अच्छे से आपको इसको यू you नो know, पूरा अच्छे से बिल्कुल नहीं छोड़ना है सारा का सारा यूज़ कर लेना है पूरा और बस इस तरीके से बालों को टाई अप कर लेना है इस तरीके से क्लेक्चर ले लें हेयर क्लिप्स ले लें रबर बैंड ले लें ले ले, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो ले लें और अच्छे से अपने बालों को टाई अप कर लें ताकि आपके जो बाल हैं वो गिरे ना और जो हेयर मास्क है वो भी इधर से उधर ना जाए कपड़ों पे भी ना जाए और बस आपको और ये दुपट्टा जो मैंने दिखाया है बार बार मैं दिखा रही हूँ ये सेफ्टी के लिए है और इसके बाद आपको क्या करना है कि बालों से हेयर मास्क गिरे ना इधर उधर हम काम करते रहें बार बार जाए ना क्योंकि हम बिजी रहेंगे काम करते रहेंगे ऐसा तो है नहीं कि हम लगा के बैठ जाएंगे एक जगह दो तीन घंटे तक तो बस आपको मैंने लगा ली है पॉली बैग मैंने पहन ली आपके पास शावर कैप हो तो शावर कैप भी पहन लेना और बस आपको अपने हेयर मास्क को प्रोटेक्ट करना है इस तरीके से और मिनिमम से मिनिमम ये जो हेयर मास्क है आपके 40 मिनट्स तो रहना ही चाहिए आपके बालों में मिनिमम से मिनिमम फोर्टी मिनट्स आपके बालों में रहना चाहिए और यहाँ पर मुझे डेढ़ घंटा हो गया था इसको लगाए हुए इतना पसंद आ रहा था और बस अब मैंने इसको खोल के निकाल दिया है हेयर मास्क अपना न, बस अब हेड वॉश करने की बारी तो ये मैंने हेयर वॉश कर लिया और मतलब ट्रस्ट मी गाइस व्हाट अ रिजल्ट बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैंने अपने बाल से धोने के बाद ऐसे बाल मैंने अपने कभी नहीं देखे इतने सिल्की मतलब विदाउट कंडीशनिंग सो so गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये हेय स्पा एट होम आ, वीडियो आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो हेल्पफुल हो ये क्योंकि मेरे लिए तो यार मतलब सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा डिस्कवर कर लिया मैंने आ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेयर मास्क है मैं आई एम श्योर कि महीने में ये मैं दो बार जरूर जरूर अप्लाई करूँगी और ये ना ही कोई बहुत ज़्यादा यू you नो know, एक्सपेंसिव uh, है कुछ भी नहीं है घर में चीज़ें पड़ी होती है आप इजीली यूज़ कर सकते हो और आपको जो चीज़ें सूट करते हैं उसको यू you नो know, पकड़ के ले कर उनको मिक्स करके आप हेयर मास्क लगा सकते हो और घर में ही आराम से आ, बैठे बैठे कोई टेंशन ना कोई कोरोना की टेंशन ना किसी और चीज़ की टेंशन ना आराम से आप अपने बालों को यू नो ढंगा बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बनाना शुरू कर दिया है पहले मैंने सोचा था कि पड़े रहने दो यार बालों को मतलब शक्ल सुधार लो लेकिन नहीं बालों जितनी जो जो चीज़ें शरीर में भगवान ने दिए ना वो हर चीजों का हर चीज का देखभाल करना बहुत जरूरी है सो so, अगर मेरा मतलब यार सॉरी अगर वीडियो में आपको मतलब देख के ऐसा लगे कि बार बार बालों को टच क्यों करिए बिकॉज आई को ना लव माई हेयर यार बहुत स्मूथ हो गए हैं आप देखो मतलब बहुत ज़्यादा सो so, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर और प्लीज़ एक दो जन एक दो जन कर कर करके कर करके कर, 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 कभी कोई अनस्क्राइब अनसब्सक्राइब कर रहा है कभी कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो ऐसा मत करो यार ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है क्यों स्किप कर रहे हो मतलब देख लो स्किप करने से क्या होगा टुच्चु पुचू सी है ज़्यादा बड़ी भी नहीं है छोटी सी वीडियो आती है मेरी तो और वैसे भी हम तो नए नए यूट्यूबर है यार थोड़ा सपोर्ट कर दो सो यू नो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए हमें कुछ करने की हालांकि हम जाने वाले कहीं नहीं है चाहे आप सब्सक्राइब करो या ना करो कहीं हम नहीं जाने वाले तो और अगर चाहो तो कर भी दो सब्सक्राइब कर दो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग